दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज का विषय धारा 313 सीआरपीसी है। धारा 313 का अर्थ किसी मुकदमे में अभियुक्त व्यक्ति अर्थात मुलजिम की ओर से अपना साक्ष्य दिया जाना या अपना पक्ष बताया जाना, अपनी बात न्यायालय को बताया जाना, वो भी डिफेंस में माने बचाव में, कि इस मुकदमे में हमारा बचाव क्या है और क्यों इसमें हमें बरी कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए। माने जब कोई ऐसा मुकदमा जिसमें पुलिस की ओर से कोई आरोप पत्र दाखिल करने के बाद पूरा ट्रायल अभियोजन साक्षीगणों का हो जाता है। अभियोजन साक्षी का मतलब है जो मुलजिम को फंसाने वाले लोग हैं, वो अपना सारा साक्ष्य, सारी गवाहियां दे देते हैं जिनसे किसी घटना या किसी अनुमान का पता लग रहा है। इसके बाद स्थिति आती है कि जो अभियुक्त यानी मुलजिम हैं, उन मुलजिमान से न्यायालय ये पूछ सकता है किसी भी समय कि आपके ऊपर ये आरोप लगाया गया है, इस बारे में आपको क्या कहना है। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है वो इसी विषय पर है कि ऐसे मुलजिमान को या अभियुक्त को इस स्थिति में क्या बताना चाहिए, क्या कहना चाहिए जो सुसंगत हो, जो उसको फायदा पहुंचाए और उसके पक्ष में जो निर्णय लिखा जाएगा वो उसके पक्ष में हो, निर्णय लिखने में उनको फायदा करे। तो दोस्तों धारा 313 सीआरपीसी के अंतर्गत प्रत्येक क्रिमिनल मामले में ट्रायल में उस स्टेज में जब अभियोजन साक्षी पूर्ण रूप से परीक्षित हो गए होते हैं या उनका एग्जामिनेशन इन चीफ और क्रॉस एग्जामिन हो गया होता है, तब वो स्टेज आती है। उस स्टेज में अभियुक्त से ये पूछा जाता है कि आपको अपने बचाव में कुछ कहना है। एक प्रश्नों की श्रृंखला तैयार की जाती है और उस प्रश्नों की श्रृंखला में जो उस अभियुक्त के अधिवक्ता हैं, माने उनके जो वकील साहब हैं मुलजिमान के, उनकी भी मदद कोर्ट लेता है और कोर्ट ये एक पूरी श्रृंखला तैयार करके उस श्रृंखला को सीधे सीधे वकील साहब के माध्यम से पूछवाया जाता है कि इन प्रश्नों के क्या उत्तर हैं, क्या देना है, क्या बताएंगे आप। तो अभियुक्त व्यक्ति को उन प्रश्नों के वही उत्तर देने चाहिए जो उत्तर अभियुक्त व्यक्ति ने अपने डिफेंस में लीगल सजेशंस देकर के कमियां निकाली हैं। माने किसी व्यक्ति पर अगर ये आरोप है कि उसने हत्या की थी, मान लेते हैं, और उस हत्या के मुकदमे में 313 के बयान होते हैं, होने हैं, होने वाले हैं, तो आपने उस हत्या के मुकदमे में जो अभियोजन की ओर से गवाह प्रस्तुत किए गए थे, उन गवाहों में जो अपना बचाव लिया था, डिफेंस लिया था, उनसे लीगल सजेशंस उनको दिए थे, उनमें जो उत्तर आए थे, जिन उत्तर को उन्होंने मना किया था उन गवाहों ने, वही आपका डिफेंस यहां 313 के उत्तर के रूप में होगा। जैसे एक प्रश्न पूछा गया गवाह से कि आपने, आपके ऊपर ये आरोप है कि फला फला डेट में सो एंड सो स्थान पर आपने सो एंड सो पर्सन की हत्या की है। आपने जब डिफेंस अपना लिया था लीगल सजेशंस में और जिरे में माने क्रॉस एग्जामिन में, तब आपने ये प्ली ली थी, ये बचाव किया था कि कथित घटना के समय आप वहां उपस्थित नहीं थे, तो आपका डिफेंस 313 में यही आना चाहिए कि मुझे झूठा फंसाया जा रहा है और मैं उस कथित घटना के समय वहां उपस्थित नहीं था। दोस्तों इसी तरीके से जो भी आपका डिफेंस या जो भी लीगल सजेशंस, जो भी त्रुटियां कमियां आप अभियोजन की उस समय ला पाए हैं, उन्हीं
लीगल सजेशन जो आपने दिए हैं उन्हीं को आधार बना करके आप 313 के बयान में अपना डिफेंस दें। दोस्तों 313 सीआरपीसी का अर्थ या उद्देश्य केवल यही है कि दूसरे पक्ष को भी सुनूं, अर्थात ये नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत है, नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत है कि जब भी किसी व्यक्ति को कोई सजा सुनाई जा रही हो या दंडित किया जा रहा हो तो ऐसे व्यक्ति की बात को भी सुना जाना बहुत आवश्यक है। वो कहना क्या चाहता है उसकी बात भी सुना जाना आवश्यक है। ये धारा 313 सीआरपीसी का जो वार्तालाप है ये न्यायालय और अभियुक्त माने मुलजिम के बीच होता है। दोस्तों इस पे एक रूलिंग है, दूसरे पक्ष को भी सुना जाए। एक तो ये लीगल मैक्सिम है आदि अल्टरम पैटर्न। इसका सिद्धांत राजकुमार सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिपादित किया है कि दूसरे पक्ष को सुना जाना चाहिए और दूसरे पक्ष को सुने जाने का अवसर दिया जाना चाहिए, इस पर भी प्रतिरक्षा का अवसर दिया जाना चाहिए। इस पर बीके शशिकला वर्सेज स्टेट, ये भी हनीबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जिसमें कहा गया है। और डिफेंस आपका वही हो जो सजेशंस दिए गए थे, क्योंकि सजेशंस हमेशा जहां कमी होती है वही सजेशन दिए जाते हैं और जहां कमी है वही आपका 313 में बचाव है। यद्यपि 313 में जो आपने बयान दिया है माने मुलजिम का जो बयान होता है तो वो साक्ष्य नहीं होता है, क्योंकि 313 में जो आप बयान दे रहे हैं उस पर कोई क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं किया जाता है। लेकिन जब भी कोई निर्णय किया जाएगा तो निर्णय लिखने वाले मजिस्ट्रेट आपके 313 में दिए हुए एक एक बयान को पहले काटेंगे, इसके बाद ही वो आपको कोई सजा सुना सकते हैं, बिना आपकी बात को काटे खंडित किए। और एक एक बात इस तरीके से काटेंगे रूलिंग के आधार पर और बिल्कुल जेन्यून तरीके से, तभी वो आपको सजा सुना सकते हैं। दोस्तों 313 के अलावा एक और धारा है 315, जिसमें अगर अभियुक्त व्यक्ति चाहे तो वो एक प्रार्थना पत्र दे सकता है न्यायालय में कि मैं एज ए विटनेस पेश होना चाहता हूं और मेरा क्रॉस एग्जामिन किया जाए और मुख्य परीक्षा के रूप में मेरा चीफ लिखा जाए। तो ऐसी स्थिति में जो आप बयान देंगे धारा 315 का एप्लीकेशन अलाउड होने के बाद तो वो बयान आपका साक्ष्य भी पढ़ा जाएगा, उस पर आपसे क्रॉस एग्जामिन भी किया जाएगा। वो दोस्तों स्थिति दूसरी हो सकती है या दूसरी होती है। धारा 313 सीआरपीसी में आपको सुना जाएगा, आप अपने बचाव में अपने डिफेंस में जो जो परिस्थितियां गुजरी हैं वो बात कहिए और उन बातों का जजमेंट में एक एक क्लेरिफिकेशन के साथ लिखा जाएगा। दोस्तों आज का वीडियो धारा 313 पर था, आगे किसी वीडियो में अन्य किसी नई धारा के साथ मिलते हैं। नमस्कार।